लॉग लॉगरिदम में हमने क्या देखा था? सबसे पहले तो लॉगरिदम होता क्या है? क्या होता है लॉगरिदम? इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. ओके, मतलब ए रेज टू एम इज इक्वल टू एन. इसको अगर मुझे अलग फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल टू एम. ठीक है, सो यहाँ पे ए जो होता है वो क्या होता है? बेस. और यहाँ पे भी जो ए होता है वो भी क्या होता है? बेस. यहाँ पे जो एम होता है तुम्हारा वो क्या होता है? एक्सपोनेंट, और यू कैन से पावर, और यू कैन से इंडेक्स, है ना. तो यहाँ पे जो आंसर मिलता है वो किसका आंसर मिलता है हमें? एक्सपोनेंट का आंसर मिलता है ना. लास्ट क्लास में हमने ये सब देखा था. देन देयर वाज फर्स्ट रूल, रूल नंबर वन. क्या था रूल नंबर वन? लॉग ए बी इक्वल टू व्हाट? लॉग ए प्लस लॉग बी. याद आ रहा है? इसके बाद मैंने और एक चीज बताई थी, जब बेस मेंशन नहीं किया होता तब हम अलजेब्रा में बेस क्या लेते हैं, कैलकुलस में बेस क्या लेते हैं. दोनों चीजें मैंने बताई थी, है ना. सो इन अलजेब्रा व्हेन बेस इज नॉट मेंशन, व्हेन बेस इज नॉट मेंशन, अलजेब्रा में क्या करते हैं अपन? क्या लेते हैं बेस को? अलजेब्रा मतलब तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब क्या है? अलजेब्रा में आता है. तो तब बेस अपन क्या लेते हैं? 10. एंड इन केस ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस में बेस क्या लेते हैं अपन? ठीक, कैलकुलस मतलब लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना. सब क्या है? बेस क्या लेते हैं अपन इसमें? ई. याद आ रहा है? ये बताया तुमने. ओके, सो लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, दैट वाज रूल वन. सो इफ आई राइट लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 4, व्हाट शुड आई राइट? लॉग ऑफ 8 इंटू 4 मतलब 8 इंटू 4 32. ठीक है. देन रूल टू, रूल टू क्या था? लॉग ऑफ ए अपॉन बी, इट इज नॉट ए टू द बेस बी. दो चीजों में डिफरेंस है ना. लास्ट क्लास में मैंने बताया था लॉग ऑफ ए अपॉन बी वॉज लॉग ए माइनस लॉग बी. याद आ रहा है? आफ्टर दिस, सो अगर मुझे लिखना है लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉग 2 आएगा. कैसे? लॉग 8 अपॉन 4. लॉग 8 बाई 4 कितना होता है? लॉग 2. ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन है तो वो क्या हो जाता है? डिवीजन. एडिशन है तो वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन. राइट. ओके, नेक्स्ट रूल 3. रूल 3 क्या था? लॉग ए रेज टू एम टू द बेस. क्या बताया था मैंने? यही था क्या सिर्फ? अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. तो एम को आगे लेते हैं अपन, एम लॉग ए. ठीक है, सो इफ आई हैव लॉग 16 आई कैन राइट इट एज लॉग ऑफ 2 रेज टू 4 होता है ना 16, दैट 4 विल कम इन फ्रंट, सो दैट विल बी 4 लॉग 2. कुछ ऐसा रूल मैंने बताया था क्या? देखो रूल 4, आई डोंट रिमेम्बर दिस सीक्वेंस. लॉग ऑफ ए रेज टू एम टू द बेस बी रेज टू एन, ऐसा कुछ बताया था. यस, सो व्हाट वाज दैट? एम कहाँ पे आता है? न्यूमरेटर में. और एन कहाँ पे जाता है? डिनोमिनेटर में. सो दिस इज व्हाट? लॉग ऑफ ए टू द बेस बी. याद आ रहा है एवरीवन? ओके, सो रूल 5, रूल 5 इज लॉग ऑफ, एक चीज बताई होगी मैंने, ए रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए. ये रूल बताया था मैंने लास्ट क्लास में. अगर ये दो नंबर्स सेम हैं, दोनों के बेसिस अगर ये सेम हैं, तो आंसर सीधा क्या आ जाता है? एक्स आ जाता है. ओके, आंसर इज डायरेक्टली एक्स. ओके नाउ, सो अगर मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन है 8 रेज टू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 8, इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट 4 आ जाएगा इसका आंसर.
ठीक है, log 8 raised to log of 4 to the base 8, answer directly क्या आएगा 4, क्यों? Because यहाँ का number और यहाँ का number क्या है same, दोनों number अगर same रहे तो सीधा this is your answer, alright, okay, rule 6, क्या देखा था हमने, याद है, नाम दिया था मैंने उसको, change of the base formula. क्या है change of the base formula? Yes, log of a to the base b है और मुझे base b नहीं चाहिए, I want some other base. तो ऐसे करते हैं अपन log a upon log b. Okay? फिर यहाँ पे जो तुम्हारा जो blank space है base की जगह पे, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. Okay? नॉट नेसेसरी कि वहां पे 10 आना चाहिए, जो भी चाहिए तुम्हें वहां पे वो तुम ब्लैंक फिलअप कर सकते हो. एनी डाउट इन दिस? यस, लास्ट क्लास में हमने सारे फॉर्मूला देखे थे ऑलरेडी. नाउ और एक चीज यहाँ पे, सपोज आई राइट, ये डिस्कस किया था हमने लॉग ए टू द बेस ए, तो वन मोर फॉर्मूला वी विल गेट, वी डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन ओवर दैट. यस, यू कैन पुट एनीथिंग एज अ बेस. ओके, सो लॉग ए टू द बेस ए डिस्कस हुआ तो आया ना, हुआ तो नहीं आता, वन आता है. कैसे आता है देखो, ध्यान दो. सपोज यू हैव 10 रेस टू 1, कितना आता है 10 रेस टू 1, 10. एनीथिंग रेस टू 1 इज सेम थिंग. ओके, 2 raised to 1, 2 only. 3 raised to 1, 3 only. अगर इसको मुझे logarithmic expression में convert करना है, तो कैसे करोगे? Log of 10 to the base 10 is equal to 1. Okay. इसको अगर log में convert करना है, तो log 2 to the base 2 equal to 1. ये क्या है? Log 3 to the base 3 equal to 1. ओके, सो अगर ये दो नंबर सेम है तो आंसर क्या आ जाता है उसका 1. सो लॉग ए टू द बेस ए इज व्हाट 1. ओके, विल गिव सम टाइम टू राइट फॉर न्यू स्टूडेंट्स एज वेल, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. जो जिनका फर्स्ट लेक्चर है लिखना शुरू करो. सैटरडे को भी क्लास है ना, सर ने बोला ना, मुझे छुट्टी बोला नहीं ना, क्लास है ना, छुट्टी तो नहीं बोला है, अपने फाउंडेशन को छुट्टी है. थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, सैटरडे को ना, हाँ 2 घंटे का. कल भी मैथ्स है, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे पता ही नहीं स्केड्यूल क्या है. हाँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, बीच बीच में स्केड्यूल चेंज होता रहता है, तो मुझे याद नहीं रहता बिल्कुल, मेमोरी की प्रॉब्लम है मुझे थोड़ी. ओके, सो नोटेड डाउन एवरीथिंग. यस, अब सो लॉग ए टू द बेस ए इज व्हाट 1. ठीक है, ऐसी और एक चीज हम डिराइव करेंगे. एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है? 1. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. अब इसको हम log में convert करेंगे. क्या हो जाएगा? Log of 1 to the base 10 is what? 0. Log of 1 to the base 2 is what? 0. Log of 1 to the base 3 is. ठीक है? So log 1 का answer क्या आएगा हमेशा? 0. Base can be anything.
log 1 will always be 0. बेस में कुछ भी होने दो, हमेशा log 1 का आंसर क्या आएगा? 0. Got it? Yes. So these two are very important results. बहुत जगह पे लगते हैं ये. So anyone has any doubt till this point? Understood everything? Yes. पक्का. चलो अब जैसे अवंश बोला था अभी, क्या बोला उसने, log a to the base b में if I take, I applied change of the base formula and I took a as a base. Base को कुछ भी ले सकता है ना. So if I take a as the base, suppose मैंने यहाँ पे a लिया base, तो log a to the base a क्या होता है, अब भी देखा हमने क्या होता है, 1. So, क्या आ जाएगा, log of a to the base b, ये 1 आया ना numerator, so 1 upon log of b to the base a. समझ में आई बात, तो इसको भी उन्होंने एक result बोला है, it's also one of the results. हाँ, reciprocal हो जाता है, if you interchange a and b, you will get reciprocal. Done? Yes, everyone. Okay, there is one more. Tum batao iska answer. Log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base a. Kya aayega answer? Anyone? Bolo. और उनको मल्टीप्लाई करना है तो क्यों नहीं होगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है ना, यू हैव मल्टीप्लीकेशन साइन. अपन सेम अज्यूम करेंगे, चेंज ऑफ द बेस तुम जब लगाते हो, इट्स योर चॉइस बेस को क्या लेना, तो सबको बेस सेम ले लो, 1. सो क्या आएगा, ये लॉग ए अपॉन लॉग बी है ना, चेंज ऑफ द बेस इनटू लॉग बी टू द बेस सी, कैसे लिखोगे, लॉग बी अपॉन लॉग सी इनटू लॉग सी टू द बेस ए, कैसे लिखोगे, लॉग सी अपॉन log a. याद आ रहा है, yes. अब ये क्या हो गया, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए. ऐसा मत सोचो तीनों के बेसिस अलग है, यू हैव चॉइस, चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला इसीलिए है कि तुम कोई भी बेस ले सकते हो, सो वी विल टेक सेम बेस फॉर एवरी टर्म. सो ये भी एक रिजल्ट है हमारा, क्या रिजल्ट, log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base a, then uska answer aayega 1. Done? Everyone? Yes? Understood? Okay. अब हमें डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं वो भी चीज हमें लगने वाली है 12th में. ओके, अब वो भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस अभी शुरू हो जाएंगे अपने डायरेक्टली, तो मैट्रिसेस में एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पे डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. ओके, सो वी विल डू, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. सारी बेसिक चीजें जो हमें चाहिए आगे वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, finding the value of determinant.
फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स. चलो लेट्स से यू हैव 3 -3 2 and 1, 2/2 डिटरमिनेंट ही होगा. ये तो 10th में हो चुका है ना. कैसे आता है इसका वैल्यू? क्रॉस 3 into 1, बीच में माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा? -3 into 2. 2/2 डिटरमिनेंट ऐसे ही फाइंड करते ना अपन. यस, क्या आएगा ये? 3 - -6. हाउ मच इज दिस? 3 + 6 = 9. अंडरस्टूड? यस एवरीवन, पक्का? अभी आज थोड़े और बेसिक्स देखते हैं, फिर अपन सैटरडे को लेसन शुरू कर देंगे. 2 घंटे है ना, टाइम भी काफी मिलता है. अच्छा कल भी है, हाँ तो कल ही शुरू कर देंगे. अभी मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें अपन चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है? और पहला चैप्टर बहुत आसान है. ओके चलो, सो मैं 1 by 1 3 डिटरमिनेंट्स दे रही हूँ, उसके वैल्यूज मुझे बताओ, ठीक है? फर्स्ट वाला एवरीवन इज गेटिंग द सेम -4. निमिष एकदम मराठी माणूस होतो, मराठी तो बोलतो. -2. चलो लेट्स कैलकुलेट नाउ. फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा? -3 into 4. सेकेंड ब्रैकेट 1 into -8. कितना आया ये? -12 - -8. सो दिस इज -12 + 8 = -4. गॉट इट? नेक्स्ट यहाँ पे -1 into 3 फर्स्ट ब्रैकेट, -2 into 0 सेकेंड ब्रैकेट, कितना आया ये? -3 - 0. सो दिस इज -3. ओके नेक्स्ट -3 into -6 -4 into -5, दिस इज 18 - 20, कितना आया? अंडरस्टूड? यस एवरीवन. सो 2/2 डिटरमिनेंट आ रहा है, सबको सॉल्व करते हैं. 3/3 करते हैं, ठीक है? -3/3 -1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 1. ओके 3/3 डिटरमिनेंट के अभी मैं एकदम बेसिक स्टेप्स लिख रही हूँ, आगे जाके तुम पहला वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, ठीक है? यू कैन स्किप फर्स्ट स्टेप. चलो कैसे करते हैं, देखो 3/3 डिटरमिनेंट. पहला नंबर लिया -1, अब हमें बनाना है डिटरमिनेंट. ऊपर वाला ये सेकेंड नंबर जो होता है ना उसका साइन उल्टा करना है. ये माइनस है ना, उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस. सेकेंड नंबर का, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड नंबर का. ओके सेकेंड नंबर जो भी रहेगा उसका साइन क्या करना है? उल्टा, +2. और ये जो है कीप इट एज इट इज. मैंने 3 का और -1 का साइन चेंज किया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ किसका साइन चेंज किया? -2 का, मिडल वाले नंबर का. सो 3 into, अब ये जो डिटरमिनेंट है वो हमें बनाना है. कैसे बनते हैं देखो डिटरमिनेंट. चलो -1 के लिए वी विल स्किप दिस कॉलम एंड वी विल स्किप दिस रो. ओके We'll skip that column and row. क्या क्या बचता है हमारे पास? 1 1 2 1, मिल गया? Yes. Now, for second thing, yes.
ये टू है राइट, वी विल स्किप दिस रो एंड दिस कॉलम. क्या बचा हमारे पास, जीरो टू एंड टू वन. स्किप कैसे कर रहे हैं समझ में आया, उसी एलिमेंट का रो एंड कॉलम. इलेवेंथ में था ये इफ यू रिमेम्बर, इतना इलेवेंथ स्टैंडर्ड तो हुआ है ना सबका. इतना इलेवेंथ स्टैंडर्ड तो किया है ना. वंश नहीं किया, हो गया. ऑलराइट, सो नेक्स्ट थ्री के लिए क्या करोगे. यस वी विल स्किप दिस एंड ओके, सो जीरो टू एंड वन वन. ऑलराइट, यस एवरीवन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू बाय टू डिटरमिनेंट्स. ओके, अब मेरा कहना क्या है कि तुम आगे जाके ये फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हो थोड़ा हैबिट होने के बाद. ठीक है, सो माइनस वन इन टू कैसे सॉल्व करते हैं इसको. वन माइनस टू मल्टीप्लीकेशन किया, प्लस टू इन टू, वन इंटू जीरो जीरो, माइनस टू इंटू टू फोर. ओके, प्लस थ्री इंटू जीरो इंटू वन, माइनस वन इंटू टू. ठीक है, क्या आया फिर अपना आंसर बताओ. माइनस वन इंटू माइनस वन आया ये प्लस टू इंटू माइनस फोर आया ये, और ये थ्री इंटू माइनस टू. सो दिस इज प्लस वन माइनस एट माइनस सिक्स विच इज माइनस थर्टी. समझ में आई बात, थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है समझ में आया. यस एवरीवन, अगेन आई विल गिव यू टू थ्री क्वेश्चंस, यू विल हैव टू टेल मी द आंसर. ठीक है, फर्स्ट का माइनस वन आया. ओके, करना है आगे, बैठ गया. जो चीजें हमें ट्वेल्थ के लिए लगने वाली है वो सब रिवाइज. अभी टेक्स्ट बुक है किसी के पास, एक दे दो ना मुझे कॉपी. मुझसे कुछ स्किप नहीं होना चाहिए, जो भी इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट है सारे रिवाइज करेंगे. कौन सा लाया, स्टैट्स का लाया ना निमिश, दोनों लेके आए. पास कर माइनस थर्टीन. अरे क्या है देखते हैं अभी. डिफरेंशिएशन तो मैं स्क्रैच से ही शुरू करने वाली हूँ एनीवेज. आई विल अज्यूम कि तुमने 11 दिया ही नहीं है. माइनस थर्टीन ही आ रहा है ना. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे रिवाइज करेंगे अपन.
हो गए तीनों। चलो डन, ऑल थ्री डन। चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं फिर से। टू इंटू डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, इसका रो और इसका कॉलम स्किप करना है हमें। क्या बचता है हमारे पास, जीरो वन फाइव टू। ओके, क्या क्या स्किप किया हमने, दिस रो एंड दिस कॉलम। क्या बचा, जीरो वन फाइव। ठीक है, किसको नहीं आया रे, इनमें से किसको नहीं आया, सॉल्व करते नहीं आया होगा तो बताओ एवरीवन। गलत आने दो आंसर, कुछ तो आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना एटलीस्ट। ओके, सो अब सेकेंड नंबर है उसका साइन उल्टा, प्लस का क्या करेंगे, माइनस। सो माइनस वन। अब क्या करेंगे, इस रो को स्किप, इस कॉलम को स्किप। क्या बचता है हमारे पास, फोर वन फाइव टू। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, थ्री को लेते हैं। थ्री वी विल कंसिडर, थ्री के साथ कौन कौन आएगा, फोर वन जीरो वन। सो लेट्स सॉल्व द डिटरमिनेंट्स नाउ। टू इंटू जीरो माइनस, फाइव इंटू वन फाइव माइनस वन इंटू, फोर इंटू टू एट, फाइव इंटू वन फाइव। अंडरस्टूड, प्लस थ्री, फोर इंटू वन जीरो इंटू वन, कितना आया ये, माइनस टेन माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व, कितना आया, कुछ गड़बड़ हो रही है, माइनस वन, सही है, सब कुछ सही है। ओके, कुछ डाउट है किसी को, अब डायरेक्टली स्टेप्स लिखूंगी मैं, फर्स्ट स्टेप्स आई वॉन्ट राइट। ओके, सो फाइव क्या क्या लोगे, वन इंटू फोर माइनस वन इंटू थ्री। ठीक है, माइनस टेन है, उसका साइन क्या करना पड़ेगा, उल्टा, प्लस टेन किया, इंटू जीरो इंटू फोर जीरो, माइनस वन इंटू टू टू, देन माइनस वन, माइनस वन इंटू जीरो इंटू थ्री जीरो, माइनस वन इंटू टू टू, कितना आया ये, फाइव आया, माइनस ट्वेंटी आया, प्लस टू आया, हाउ मच इज दिस, माइनस माइनस सेवनटीन। थर्टीन किसका है, एक मिनट, सेवन थर्टीन आएगा ना, माइनस थर्टीन आएगा, सॉरी माइनस थर्टीन आया था ना सबका, गुड गुड गुड, सेवन माइनस ट्वेंटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आंसर माइनस फिफ्टीन, क्या हुआ, हाँ गया, पहले माइनस ट्वेल्व कुछ तो आया था, क्या हुआ, क्या गड़बड़ किया तुमने, टू इंटू टू फोर माइनस, माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, यहाँ पे तो नहीं गड़बड़ है ना, वही गड़बड़ है ना, माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, मल्टीप्लीकेशन लिखना है, माइनस माइनस प्लस मत कर दो। ठीक है, थ्री का साइन उल्टा ना, माइनस थ्री, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, माइनस माइनस थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेल्व। ओके, प्लस टू, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, टू इंटू फोर माइनस, ठीक है, कितना आया फिर ये, माइनस सिक्स, माइनस थ्री इंटू ये कितना आ रहा है, प्लस ट्वेल्व माइनस टू टेन है ना, और ये कितना आया, माइनस फोर्टीन। सो हाउ मच इज दिस, माइनस सिक्स माइनस थर्टी माइनस फोर्टीन, अच्छा फिफ्टी आ रहा है, मुझे मैंने फिफ्टीन सुना, हाँ वही मैंने भी फिफ्टीन सुना, माइनस फिफ्टी, गॉट इट, यस एवरीवन। सो मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा एवरीवन, यस। थ्री बाय थ्री इज इम्पोर्टेंट, टू बाय टू इज इम्पोर्टेंट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स बोला मैंने, डिटरमिनेंट नहीं, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा मुझे, मैट्रिक्स था ना हमें,
इंट्रोडक्शन नहीं था पिछले साल, इंट्रोडक्शन नहीं था मैट्रिक्स का हमें। अच्छा चलो ठीक है, फिर नहीं करेंगे वो, मुझे लगा मैट्रिक्स था साइंस वालों को था। ओके, और एक चीज है हमारे पास, हमें हमें कुछ स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर था एक, रिमेम्बर मैंने बोला था कि वो कुछ भी, हाँ कुछ भी जरूरत नहीं है उसमें से, बस एक छोटा सा पार्ट इम्पोर्टेंट है स्लोप वाला, एन इक्वेशन ऑफ लाइन वाला, ठीक है वो इम्पोर्टेंट। हाँ सो लाइन को थोड़ा सा समझते हैं, लाइन कैसे होता है। ये लाइन है, लाइन एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो टू पॉइंट्स ऑन लाइन चाहिए, लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स दे दो, या फिर वन पॉइंट एंड स्लोप। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के ऊपर के तो हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते, और एक ही पॉइंट दिया है लेकिन स्लोप दिया हुआ है तो भी तुम इक्वेशन फाइंड कर सकते। ओके अब स्लोप क्या होता है देखिए, स्लोप इज, स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या है ये y1 y2 x1 x2, देखो x1 y1 आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन, x1 y1 एंड x2 y2 आर व्हाट, पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ठीक है। तो मान के चलो ये लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स है x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट स्लोप। अंडरस्टूड? यस, स्लोप कैसे मिलता है। चलो अब मैं पॉइंट्स दे देती हूँ तुम्हें, तुम्हें स्लोप बताना है, ठीक है। लेट्स टेक टू पॉइंट्स एज माइनस थ्री टू एंड फोर कॉमा सिक्स, बताओ स्लोप। दो पॉइंट्स है लाइन के ऊपर, एक है एक्स वन वाई वन, दूसरा एक्स टू वाई टू, टेल मी स्लोप। एट बाय सेवन, फोर बाय सेवन कैसे, ये हो गया एक्स वन वाई वन, ये हो गया एक्स टू वाई टू, तो स्लोप कैसे मिलेगा हमें, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सो सिक्स माइनस टू अपॉन फोर माइनस ऑफ माइनस थ्री विच इज फोर बाय सेवन, गॉट इट। यस माइनस वन कॉमा माइनस एट एंड थ्री कॉमा माइनस फोर, बोलो वन माइनस फोर अपॉन टू, स्वयं फोर ले वन आ रहा है ना, वन आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, देखते हैं, आई गेस वन आना चाहिए। देखते वाई टू माइनस फाइव वन ना, माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस एट, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री माइनस ऑफ माइनस वन, सो दैट इज माइनस फोर प्लस एट, थ्री प्लस वन कितना, वन प्लस वन माइनस फोर प्लस एट, सब्ट्रैक्शन करके बिगर नंबर का साइन रहता है ना, बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस एट। रिवाइज करूं क्या वो भी रूल्स, पक्का ना, मुझे डाउट आ रहा है अभी, तुम्हारी है ना कोविड वाली बैच, तुम्हारी है ना कोविड टेन था, कोविड बैच सेवेंथ भी नहीं, उससे भी पहले होता है शायद, है ना फिफ्थ सिक्स, तब नहीं था कोविड। ओके डन, यस एवरीवन, स्लोप समझ में आया कैसे फाइंड करते हैं। नाउ लाइन के इक्वेशंस रहते हैं दो,
हमें बस दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे तो छह इक्वेशंस है फॉर्म्स, बट हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है तो उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमें टू पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के ऊपर, इफ यू हैव टू पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द लाइन, देन यू आर गोइंग टू यूज टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, व्हाट इज टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन? y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स। सो तुम इस फॉर्म की हेल्प से लाइन का इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे, देखो क्या है y माइनस वाई वन, अभी वही ऊपर वाले पॉइंट से लेते हैं ना, स्लोप हमारे पास रेडी अवेलेबल है, माइनस थ्री कॉमा टू फोर कॉमा सिक्स, कैसे बनता है देखो इक्वेशन। दिस इज योर एक्स वन वाई वन, दिस इज योर एक्स टू वाई टू, y माइनस वाई वन कैसे बनेगा, y माइनस वाई वन, वाई वन इज वॉट टू, x माइनस एक्स वन, एक्स वन इज वॉट माइनस थ्री, y2 माइनस वाई वन इज सिक्स माइनस टू, x2 माइनस एक्स वन इज फोर माइनस ऑफ माइनस थ्री, सही है ना। यस, सो क्या आया फिर हमारे पास, y माइनस टू एक्स प्लस थ्री फोर बाय सेवन, सिंप्लीफाई दिस लिटिल बिट, क्या आ जाएगा बताओ, सेवन इंटू वाई माइनस टू फोर इंटू एक्स प्लस थ्री, सही है। यस एवरीवन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ओके। सो सेवन वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू ट्वेल्व प्लस सॉरी ट्वेल्व एक्स सॉरी फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, फोर एक्स प्लस 12, एनी डाउट इन दिस, यहां तक समझ में आया सब कुछ। अपन क्या कर रहे हैं, अपन लाइन का इक्वेशन बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं लाइन का इक्वेशन, जब हमारे पास टू पॉइंट्स दिए रहेंगे लाइन के ऊपर, वी हैव टू पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द लाइन एंड वी आर फ्रेमिंग द इक्वेशन, ठीक है। सो क्या आएगा फिर यहाँ पे, फोर एक्स को मैंने शिफ्ट किया तो माइनस फोर एक्स बन गया, ये प्लस सेवन वाई ऑलरेडी है, माइनस फोर्टीन ट्वेल्व को भी शिफ्ट कर दो इक्वल टू जीरो, सो माइनस फोर एक्स एक मिनट सेवन वाई चाहिए ना, सेवनटीन लिखा, सेवन वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो, जनरल फॉर्म है लाइन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, इसलिए मैंने उस फॉर्मेट में लिखा, गॉट इट। दूसरे पॉइंट के लिए तुम बनाओगे, चलो बनाओ इक्वेशन बनाओ लाइन का, और एक है ना हमारे पास माइनस वन को माइनस एट माइनस फोर, चलो बनाओ फिर अब, बन गया कितना है, आयो चेक करते हैं। ओके, सो क्या है अपना टू पॉइंट फॉर्म, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ओके। सो वाई माइनस इसको लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसको लेते हैं एक्स टू वाई टू, सो वाई माइनस वाई वन वॉट इज दैट माइनस एट, एक्स माइनस एक्स वन वॉट इज दैट माइनस वन, वाई टू माइनस वाई वन माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस एट, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा थ्री माइनस ऑफ माइनस वन, सो वॉट इज द फाइनल इक्वेशन, वाई प्लस एट अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू, ये कितना आता है अपना वन आता है ना,
सो क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू विल गेट y प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 1 शिफ्ट करो माइनस x प्लस y प्लस 8 माइनस 1 सो माइनस x प्लस y इक्वल टू 7 आ रहा है ना क्या गड़बड़ गया आया ना मुझे लगा फिर से गड़बड़ गया अरे चलेगा ऑलरेडी किया था कैलकुलेट वैसे भी स्लो ओके दूसरा क्या बोला था मैंने अगर पॉइंट दिया हुआ है एंड स्लोप दिया हुआ है तो कैसे ओके सो नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है अभी लाइन का स्लोप एंड पॉइंट दिस इज अ लाइन लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया हुआ है हमें एक्स वन कॉमा वाई वन एंड लाइन का स्लोप दिया हुआ है हमें एम ओके सो नाउ द फॉर्मूला इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन ओके चलो लेट्स फाइंड इट आउट सपोज पॉइंट इज गिवन टू यू माइनस वन कॉमा माइनस थ्री एंड स्लोप इज गिवन टू यू वन बाई थ्री पॉइंट दिया हुआ है स्लोप दिया हुआ है क्या करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है y माइनस वाई वन दिस इज एक्स वन दिस इज वाई वन y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है फिर ये थ्री को मल्टीप्लाई करो थ्री इंटू वाई प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस वन सो कितना आया थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू एक्स प्लस वन सो माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस नाइन माइनस वन सो हाउ मच इज दिस माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एट टू जीरो समझ में आया स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लगाना है तुम ट्राई करोगे सो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म अंडरस्टूड डन विद द राइटिंग एवरीवन शुड आई गेट नेक्स्ट क्वेश्चन Now, point is given to you 3, minus 5 and slope is given to you minus 2. Same, slope point form. टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन आया एवरीवन यस क्या फॉर्मूला लगाया y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन दिस इज वॉट एक्स वन वाई वन एंड दिस इज वॉट स्लोप सो y माइनस वाई वन मतलब माइनस फाइव इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन सो वॉट इज दिस y प्लस फाइव माइनस टू एक्स प्लस सिक्स ओके तो क्या आएगा माइनस टू एक्स को शिफ्ट कर दो प्लस टू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या है प्लस वाई प्लस फाइव माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो
क्या आया 2x + y - 1 = 0। आ गया आंसर सबका? यस। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा, टू पॉइंट फॉर्म देखा। लाइन में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले स्लोप कैसे ढूंढते हैं, उसके बाद स्लोप को हमने अप्लाई किया कहां पे? टू पॉइंट फॉर्म में उसको हमने अप्लाई किया, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। अब हमें एक शॉर्टकट की जरूरत है, जरूरत पड़ती है। लाइन का इक्वेशन हमने कौन से फॉर्मेट में फाइंड किया रहे? अभी एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट, है ना, यही है ना। मतलब देखो कैसे बनता है अपना इक्वेशन, कुछ एक्स का टर्म होता है, कुछ वाई का टर्म होता है और एक कॉन्स्टेंट रहता है। जनरल ऐसे लाइन अपना दिखता है। सो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एम आई राइट? दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मान के चलो तुम्हें सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और तुम्हें स्लोप ढूंढना है, तो हमारे पास एक शॉर्टकट है। सो स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस ए बाय बी। माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन, आई मीन फॉर्मूला, माइनस ए बाय बी। सो मान के चलो तुम्हारे पास लाइन है 3x - 8y + 5 = 0। व्हाट इज स्लोप? मतलब 3y + 3y। सो माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बेसिकली ए है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। यही है ना तुम्हारे ए एंड बी, वही लेना है। सो माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट? 3। कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज व्हाट? -8। सो कितना आया ये? 3/8। ओके, नाउ यू हैव वन मोर लाइन, -3x + 5y + 15 = 0। स्लोप 5 है। यस, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? +5। कितना आया ये? 3/5। समझ में आ रहे शॉर्टकट? यस एवरीवन। वन मोर, -5x - 17x + 18 = 0। स्लोप -5/17। ओके, हाँ अरे माइनस साइन कहीं पे भी दे दो, यू कैन हाँ तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे भी लिखो माइनस को, मतलब हाँ वो अपन ने स्टैंडर्डाइज किया है इसलिए नहीं एडवाइज करते, अदरवाइज मीनिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जैसे तुम एलसीएम वगैरह निकालते हो तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए स्टैंडर्डाइज नहीं किया। ओके, सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये वाई चाहिए था ना, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? सो दिस इज 5/-, यू कैन कॉल इट एज -5/7। राइट, यस। वन लास्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू टेक व्हिच इज पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। जितना जरूरी है उतना ही, अदरवाइज चैप्टर कितना बड़ा है सबको पता है ना, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन वाला बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बहुत सारा ज्योमेट्री है उसमें, बट इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, सो स्लोप समझ में आया? शॉर्टकट, शॉर्टकट कैसे यूज होता है स्लोप का। ओके, नाउ पैरेलल लाइंस, can you comment on slopes of parallel lines? Equal. Okay, so always remember, for parallel lines slopes are equal. So if you have one line which had slope m1 and other line which had slope m2, this is, these two lines are parallel, then m1 is equal to what? m2. Always. Okay, the slopes are equal. Got it? For perpendicular lines,
किसको याद है परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है? स्लोप्स. याद है किसी को? हुआ है ये 11th में वैसे. ठीक है. वन लाइन हैज स्लोप m1, स्लोप्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज माइनस वन. वन लाइन हैज स्लोप m1, अदर लाइन हैज स्लोप m2 एंड दे आर परपेंडिकुलर, देन m1 into m2 is minus 1. Okay, then what? Product of slopes is minus 1. It is very easy to find out slope of other line if slope of one line is given to you. मान के चलो m2 find out करना है, तो तुम कैसे find out करोगे? Minus 1 by m1. अगर m2 find out करना है, कैसे find करोगे? Minus 1 upon m1. Reciprocal लेना है और sign उल्टा देना है. मतलब देखो, ध्यान दो. Suppose slope of line is minus 1 by 3. Then slope of line or slope of its perpendicular line. Slope of its perpendicular line is minus 1 by 3 है ना, given line. Given line का slope क्या है? Minus 1 by 3. उसकी जो perpendicular line होगी उसका स्लोप हमें फाइंड करना है. सिंपल फॉर्मूला लगाते मत बैठो. वन बाय थ्री का रेसिप्रोकल ले लो, थ्री. यहां पे कौन सा साइन है? माइनस. उल्टा साइन दे दो, एकदम वो एकदम प्रॉपरली माइनस वन बाय थ्री इंटू एम टू इक्वल टू. ये नहीं करना है, टाइम जाता है. ठीक है, सो जस्ट यूज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आता है कि रेसिप्रोकल लेना है और साइन उल्टा करना है ना. सो slope of its perpendicular line minus 1 by 3 का 1 by 3 का reciprocal क्या लिया? 3. And sine क्या किया हमने? उल्टा. Similarly, if you have slope of line is minus 8, can you tell me slope of its perpendicular line? Slope of its perpendicular line. 8 का क्या करोगे? Reciprocal. 8 का reciprocal क्या आता है? 1 by 8. Sine क्या करोगे? उल्टा. माइनस है तो प्लस, प्लस वन बाय. गॉट इट? रेसिप्रोकल लेके साइन उल्टा करना है बस. दैट्स इट. अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग? पक्का? ओके. सो क्या क्या देखा हमने आज पूरे क्लास में एक बार देखो. ये सारी चीजें हमें 11th में लगने वाली. पहले तो हमने लॉग के कुछ रूल्स रिवाइज किए. ओके, ये सारे रूल्स हमें कैलकुलस में लगते हैं. जनरली कैलकुलस में बहुत यूज होता है. ये जो है डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस चैप्टर में इसका फायदा होगा. डिटर्मिनेंट इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें आगे जाके. आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद मैट्रिसेस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर ओनली. बट यस, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वगैरह. फिर लाइन कहाँ पे यूज होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम का चैप्टर है हमें, उसमें ये लाइन का पूरा जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है. तीन ही क्वेश्चन है बट है. ठीक है, सो इसके लिए हमने वो रिवाइज किया. समझ में बात? सो कल के क्लास से अपन शुरू करेंगे अपना actual syllabus, first lesson, mathematical logic. Okay, it is very easy, बहुत time pass होता है. Okay, चलो, it's all. See you tomorrow.